السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت السبع سنابل في كل سنبلة مية حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم سورة البقرة آية نمبر 261 261 نمبر وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عنه أمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح له رواه مسلم رب لي صدري ويسر لي أمري وهل الأقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما تمام كسمة تعريف توصيف كبرياء وبراء أزمة جلالك مستحق الله شريك شريكه जो हम सब का सारी कायनत का तना खालिक मालिक है उसकी बेशुमार नेमतें हैं उन नेमतों का हमें शुक्रगुजार होना चाहिए खसूस नमत इस्लाम पर अल्लाह के रसूल की रिसालत पर जो हमें अल्लाह रबुल्ज़त ने अता की है दरुद्सम जुम्ना अबिया कराम पर खसूस सैदुल आखिर नमामबिया वाल सैदालमरसली जना महमद रसूल सल्हम पर और आपके आलोब पर मोहतर महाज्रन जैसा कि आप लोगों ने अभी समात फरमाया मुझे जो मौजू दिया गया है वह है सदक़ जारिया की फ़जीलत फ़जीलत भी आएगी सदक़ जारिया क्या है उसका भी बयान आएगा और उसकी अहमियत के तल्ल से भी बातें आएंगी इन जो है जो अल्लाह की तोफीक होगी आपके सामने तरतीब के साथ कुछ बातें बतौर दर्स जो है आपके सामने पेश की जाएँगी अल्ला रबुल्ज़त हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तोफ़ीकता फरमाए मुजा हाजरीन कबल इसके के बाद में शुरू करूं, मैं मजलिस में बैठे कराम बुज़ुर्ग जमात नौजवानों अजीज़ों अगर मेरी माए और बहने हैं तो इन सब का मैं शुक्रगुज़ार हूं साथ ही जैद पटेल भाई और जुमला इस कराम और कराम और यहाँ के रफ़ाएकार कार सबका मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये प्रोग्राम अरेंजमेंट किया है अल्लाह ताला इन सब को जजाय खैरत फ़रमाए और इस प्रोग्राम को हम सब के लिए नफ़े बनाए मैंने आपके सामने कुरान करीम की सुर बकरा की आयत तलावत की है जिसमें अल्लाह ताला ने मिसाल दी है उन लोगों की जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं अल्लाह ने इशात फरमाया मसलिन और फिकून उन लोगों की मिसाल जो अपने मालों को अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं यहां पर अल्लाह ने क्या कहा? कहाफिकून अमवाला अपने मालों को गौर कीजिएगा अपने मालों को अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं ये इजाफत जो यहाँ पर है अपने मालों को यह इजाफत मिल्कियत की है वरना हकीकी माल का मालिक कौन है अल्लाह रब्बुल इज्जत है जब हम अपनी जान के मालिक नहीं है तो माल के मालिक क्यों कर होंगे फिर भी अल्लाह रबुल्जत ने इजाफत की है जो लोग अपने मालों को अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं उनकी मिसाल कैसी है कमस अली हबिन जैसे एक दाने की मिसाल है सब नाबिल वो जमीन में जब बोया जाता है तो उससे सात बालियां निकलती बोया गया एक दाना कितनी बालियां निकली सात बालियां बाद बाद पौधे होते हैं एक दाने से सात से ज्यादा बालियां निकलती हैं हमारे यहाँ धान वगैरह की खेतियां होती है कई कई बालियां उसके अंदर मौजूद होती हैं। अल्लाह कहता है खर्च करने वाले की मिसाल उस दाने की सी है जिससे सात बालियां निकली कुल तििया तो हब्बा हर बाली में कितने दाने हैं सौ दाने एक दाना लग बोया गया है सात सौ दाने क्या हो गए उससे तैयार हो गए अल्लाह इतना ही नहीं है कि अल्लाह ताला एक दाने के बदले सात सौ दाने देता है अल्लाह जिसके लिए चाहता मजीद बढ़ा देता है कई गुना कर देता है अलीम अल्लाह इज़्ज़त उस अत वाला है और इंतहाई अच्छी तरीके से जानने वाला है अल्लाह इज़्ज़त लोगों की नियात को जानता है कौन किस लिए खर्च कर रहा है किस तरह खर्च कर रहा है उसके खर्च करने का मकसद क्या है उसी तरीके से उसके साथ उस आत का मामला करता है अब तन की एक रिवायत मैंने आपके सामने पेश की थी जो इंशाल्लाह दर्श के आखिर में भी आएगी अल्लाह के नबी वसल्लम ने रिशात फरमाया है इंसान जब इस दुनिया से चला जाता है तो उसके अमल कट जाते हैं दुनिया दारुल अमल है अमल कब तक करना है जब तक सांस की डोरी चल रही है सांस हमारी साथ दे रही है आजा हमारे मुतहरिक हैं दिलो दिमाग हमारा जो है पुरसुकून है तब तक इंसान कुछ कर सकता है कुछ नहीं कर सकता है, कुछ उसके पास नहीं है हम माल की बात कर रहे हैं सदके की बात कर रहे हैं तो कम अज कम सुबह अल्लाह अलहमदुल्ला उकबर बोल करके वो सदका कर सकता है यह भी सदका है आप उन्हें भाई को देख करके मुस्कुरा दे वो भी सदका है अल्लाह के नबी ने कहा अगर कोई आदमी बतौर तलतुफ बतौर मुदाहबत अपनी बीवी के मुंह में लुकमा डाल देता है तो यह भी सदका है बहुत सी शक्ल सदकों सदकों की हैं लेकिन अल्लाह है, के नबी कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इंसान जब इस दुनिया से चला जाता है इनका अनु अमल अमल का सिलसिला खत्म अब उसके पास मरने के बाद जो मिलना है वो जजा है बदला है बस इल्ला मिन सलास, लेकिन तीन चीजें हैं जिसकी वजह से उसका अमल जारी रहता है मिन सदकतिन जारिया सदके जारिया अगर करके गया है तो और इल्म इमतफाउ या इल्म छोड़ करके गया है तलबा की शक्ल में लोगों की शक्ल में जो अमल कर रहे हैं जो लोगों को सिखा रहे हैं या इस तरीके से किताबों की शक्ल में आजकल हम बोल सकते हैं वीडियोज की शक्ल में आइडियोज की शक्ल में जिससे लोग दुनिया फायदा उठा रही है लोग सुन करके जो है राय रास्त को जान रहे सराते मुस्तक को पहचान रहे या या नेक औलाद छोड़ करके गया है जो उसके लिए दुआ करती है सही मुस्लिम की रिवायत है उन्वान हमारा था सदका जारिया की फजीलत सबसे पहले हम देखें कि सदका कहते किसी है मेरे भाई सदका सदका जो है अरबी जबान का लफ्ज है जिसके माने में कुत पाई जाती है सद, सिद्क के माने में क्या पाया जाता है कुवत ताकत सच बोलना एक बड़े हिम्मत का काम होता है आपके पास हिम्मत है कुवत है मुखालिफ से बातिल से लड़ने की का दम है तभी आप सच बोलते हैं अगर आपके पास कुवत नहीं है तो आप भी जो है गोलमोल करके निकल जाते हैं सच बोलने की हिम्मत नहीं होती सदका वही करता है जिसका आखरत पर यकीन होता है कि हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे तो मेरा रब मेरे सदके को कबूल करेगा आखिरत में इसका अजर अल्लाह ताला हमें देगा इस यकीन के साथ आदमी सदका करता है उसी से सदका से माखूज है असदका इसका मतलब यह होता है कि अल्लाह इज्जत के रास्ते में अपने माल को अल्लाह की कुर्बत के लिए खर्च करना अल्लाह के तकरुब के लिए अपने माल को क्या करना खर्च करना सदका जो है आम नवाफिल के लिए बोला जाता है और उसी की एक शक्ल है सदका जारिया जो इनशाला हम बयान करेंगे सदका जारिया किसको कहा जाता है एक शक्ल उसकी है वरना सदका जो है माल का जो सदका है उसको माल अल्लाह के रास्ते में अल्लाह की मर्जी के लिए खर्च करना सदका कहलाता है सदका कुरान में आप देखेंगे सदका और सदकत कुरने करीम में दोनों जगह पर सूरत तोबा में अल्लाह अल्लाहत ने जक़ात मफरूजा के लिए भी इस्तेमाल किया है अल्लाह के नबी साम को कहा गया खुद मिन अमाल सदाकतन तो ताहिर तो अबी सल्ला आप लोगों के माल से जकत लीजिए आप जक़ात लेकर के उनको पाक कर देंगे और इसके जरिए उनका आप तस्किया कर देंगे और कुरान ने जहां पर जकतूजा के मसारि बयान की, कहां कहां की जाएगी वहां पर अल्लाह ने सदकत ही कहा इन नब सदरा पूरी आयत करीमा जकत मफरूजा फक्रा के लिए मसाकिन के लिए जो काम करते हैं उसके लिए उन, उनके लिए और पूरी आठ लोगों की मसारिफ की लिस्ट अल्लाह ने वहां पर बयान किए का यहां पर लेकिन अमूमी तौर पर यह बात हमारे यहां हम मारूफ है कि जब सदका बोला जाए तो सदका से मुराद आम सदकात होते हैं आपने किसी गरीब की मदद कर दी किसी मोहताज को आपने खिला दिया किसी को आपने कपड़ा पहना दिया किसी का आपने जो है माली ताउन कर दिया कोई परेशान हाल था उसकी परेशानी को आपने दूर कर दिया कोई मखरूज था उसका कर्ज आपने अदा कर दिया कोई किसी भी हाल में जो है क्या बोलते हैं आपका मोहताज था आपके माल का मोहताज था आपने उसको अदा कर दिया ये आम सदकात आपने मोहताजों को दे दिया साहिल को दे दिया यतीमों को दे दिया बेवाओं को दे दिया आपने बस जरूरत पड़ी आपने खर्च कर दिया ये आम सदकात है और उमोमन लोग सदका इसी को कहते हैं और इसकी एक शक्ल होती है जो सदक़ा जारिया कहलाती है जिसको हम दूसरा नाम वक्फ का देते हैं उसको हम वक्फ बोलते हैं वक्फ कर देना वक्फ की कई शक्लें हैं इंशाल्लाह भी जो है हमारे सामने आएंगी और जब जकवात बोला जाता है तो जकवात से हम लोग क्या जानते हैं जक़ात मफरूज़ा जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे मखसूस मालों के अंदर फर्ज किया है एक ख़ास निसाब के पहुंचने के बाद एक खास मखसूस तादाद मखसूस मकदार उसकी निकाली जाती है उसको हम जक़ात बोलते हैं तो ये फर्क लोग करते हैं वरना हकीकत में सदका का लफ्ज हमने कहा जकत मफरूजा के लिए भी इस्तेमाल होता है और आम सदक़ात के लिए भी क्या होता है वो इस्तेमाल होता है यहां पर अब हम देखेंगे सदके जारिया क्या है सदके जारिया हमने कहा वक्फ है यह तारीफ अलामा नबी रहमुल्ल ने की है कि सदके जारिया वक्फ है वक्फ है क्या उसकी कई शक्लें हमारे सामने हैं असलमाल को रोक लिया जाए और उसके मुनाफा को क्या किया जाए जारी रखा जाए मैं एक दो मिसाल दे रहा हूं बतौर मिसाल आपके पास जमीन है आप चाहें तो उसको वरासत में तकसीम कर सकते हैं आप चाहें तो उसको बेच सकते हैं आप चाहें तो उसको उससे मजीद प्रॉपर्टी बना सकते हैं आप चाहें तो उसको किराए पर देने के लिए घर बना सकते हैं लेकिन आपके जी में यह आया क्यों ना मैं इसकी मस्जिद बना दूं इस पर मस्जिद तामीर कर दूं ताकि जमीन हमारे नाम पर बरकरार रहे लेकिन इस पर अल्लाह के नेक बंदे आकर के इबादत भी करेंगे इसमें हमारे मोहल्ले के बच्चे आकर के कुरान भी सीखेंगे दीनियात भी सीखेंगे तालीम भी हासिल करेंगे हमारे यहां लोगों की इस्लामी भी इसी मस्जिद से हुआ करेगी और बहुत से फवायद इस मस्जिद से हमको मिलते रहेंगे जब तक ये मस्जिद बाकी रहेगी तब तक वो सवाब आपको मिलता रहेगा उससे मनफात आपको कब तक मिलती जब तक आप जीते जाने के बाद आपका घर आपकी प्रॉपर्टी आपकी तजारत आपका माल आपके क्या बोलते हैं और दीगर मनफाद की चीजें आपको फायदा नहीं पहुंचा सकती लेकिन आपने उसको क्या किया असल रुका हुआ है लेकिन उस चीज का इस्तेमाल आपने किसके लिए कर दिया मनफात उसकी जारी है मरने के बाद भी अल्लाह रबुल इजत आपके दर्जा को बढ़ाता रहेगा यह अल्लाह रबुल इजत की सुन्नत है अगर आप कोई तरीका ईजाद कर देते हैं जो खैर का तरीका है तो उस खैर के तरीके का ईजाद करने वाला उस पर अमल करने वालों के बराबर सवाब का मुस्तक होता रहेगा अल्लाह रबुल इजत का तरीका है

फिकून अम हूँ लोग अपना माल खर्च करते हैं उनकी मिसाल सबसे पहली चीज याद रखिए कि जो भी चीजें हमारे पास अल्लाह इज़्ज़त ने अता की हैं यह अल्लाह का फजल है अल्लाह की नेमत है और यह नेमत कभी भी इंसान की अपनी कोशिश का नतीजा नहीं वरना यह ध्यान रखें कि अगर इंसान जितनी मेहनत करे उतना ज्यादा माल पाएगा ऐसा होता तो सबसे ज्यादा माल इन मजदूरों के पास होता जो दिहाड़ी पर बेचारे काम करते हैं धूप में जलते हैं अपना पसीना निकालते हैं अपनी चमड़ी जलाते हैं सबसे ज्यादा माल इनके पास होता अगर इल्म की वजह से माल आता इमाम शाफी रहमुल्ला कहते हैं मारूसी कफिल बरी या तिजाहिलू इस दुनिया के अंदर कोई जाहिल रिस्क नहीं पा सकता था इल्म की बुनियाद पर या अपने आइडिया की बुनियाद पर अपने दिमाग की बुनियाद पर माल के हुसूल का दावा करना या माल पाने के बाद उसको अपने इल्म और दिमाग की तरफ मंसूब करना यह कारूनियत है कारून ने क्या कहा था इन नमाऊ ती अला इल्मिन इन ये मेरे इल्म की वजह से मुझको माल मिला हुआ है ये कानूनीयत है मेरे भाइयों अगर कोई बोलता है ये मेरे खून पसीने की कमाई है ये मेरा अपना आइडिया है ये मेरा अपना इल मेरी डिग्री है इसकी वजह से माल मिल रहा है बहुत से डिग्री वाले बहुत से अकलमंद लोग बहुत से होशियार लोग बेचारे भटक रहे हैं अल्लाह ने उनकी तकदीर में माल नहीं लिखा है तो नहीं मिल रहा है वमा बिकुम मिन भिकुम फमिन अल्लाह अल्लाह कहता है तुम्हें जो भी नेमत मिलती है वो अल्लाह का फजल है उसका करम है अल्लाह ताला देता है अल्लाह इज़्ज़त ने इर्शाद फरमाया है कि माल जो हमारे पास है वो माल जो है अल्लाह इज़्ज़त की नेमत है और वो जब तक देकर के रखा है तब तक हमारे पास है वरना जो है वो माल हमसे मिट जाएगा और खत्म हो जाएगा ये अल्लाह इज़्ज़त का माल उसकी तरफ से उसकी नेमत है ला। यहां पर हम देखेंगे सदक जारी अल्लाह रबुल अल्लाहुलजत ने करने का हुक्म क्यों दिया है उसकी हिकमत क्या है आइडियोलॉजी क्या उसकी पहली हिकमत यह है एक बहुत सी हैं इंसान की फितरत में हम मोमिन है साहिब ईमान है इस्लाम का सारा खिताब अहले ईमान से है सदका करने का हुक्म ज़कात देने का हुक्म नमाज पढ़ने का हुक्म हज करने का हुक्म रोजा रखने का हुक्म किससे खिताब है जो इस्लाम को मानते हैं जो मोमिन है साहिब ईमान है अल्लाह ने इंसान की फितरत में बुखालत रखी है कंजूसी रखी है माल की हिर्स रखी है जिसको हम शोह बोलते हैं अल्लाह इज्जत नहीं चाहता है कि मेरे बंदे माल के गुलाम बनकर के रह जाए इसीलिए जा बजा हर मौके पर अल्लाह इज़्ज़त माल की कुर्बानी का हुक्म देता है आम सदक़ात करने का भी कुर्बानी करने का भी हज करने का भी जक़ात देने का भी और जकते मफरूजा देने का भी हर जगह अल्लाह इज़्ज़त क्या करता है मोमिनों को माल खर्च करने की तरकीब देते रहता है माल खर्च करते रहोगे तुम्हारे अंदर जो बुखालत पाई जा रही है जिससे आदमी बजाय अल्लाह का खालिस बंदा बनने के दिरहम का बंदा बन जाता है। जिसके बारे में नबी करीम ने क्या दीनार दिरहम दीनार और दिरहम का गुलाम बर्बाद हो गया तबाह हो गया यह गुलामी हमारी ना आने पाई हम माल माल और दौलत की और अपनी प्रॉपर्टी के गुलाम ना बन जाए अल्लाह ने हमको खर्च करने का हुक्म दिया गया है दिया है अल्लाह ने क्या कहा वो शो। नफ्सों में बुखालत डाल दी गई इस बुखालत से एक मोमिन पाक रहे इसीलिए जरूरी है क्या करता रहे वो सदका करता रहे दूसरी चीज दूसरी हमत जो है कि माल सिर्फ मालदारों के पास ना रह जाए माल अगर सिर्फ मालदारों के पास रह जाता है तो मालदार मजीद मालदार होते जाएगा और गरीब मजीद गरीब तर क्या है वो होता जाएगा अल्लाह इज़्ज़त ने माल फे के तालुक से कहा कुरा मा जो माल अल्लाह रबुल इज़्ज़त लौटाता है अपने रसूल पर बस्ती वालों से किनके लिए फल्लाह वलिर रसूल वल दिल वल वो अमन सबील वो माल अल्लाह के लिए भी खर्च होगा रसूल पर भी खर्च होगा और करावादारों पर भी खर्च होगा यतीमों पर भी खर्च किया जाएगा मिसकीनों पर भी सबील पर भी सबील किसे कहा जाता है मुसाफिर पर जो बचाए तंगदस हो जाए हल्द सफर में कईलाकुन दूल बकसद क्या बतलाया ऐसा ना हो कि जो कभी तरीन है मालदार है मजबूत है वो मजीद मजबूत हो जाए ऐसा ना होने पाए कई लायकिया ताकि यह माल तुम्हारे सिर्फ मालदारों के दरमियान चक्कर ना लगाए बल्कि इस माल का कुछ हिस्सा किसको जाए गरबा को मसाकिन को फोकरा को जो मोताजिन है उन तक यह माल जो है पहुंचता रहे तीसरे तीसरा जो मकसद है ताकि मोमिन अजरे कसर का मुस्तक हो सके अज़र अल्लाह इज़्ज़त के नजदीक पाने के लिए आदमी या तो खुद से अमल करे मेहनत करे अल्लाह का जिक्र उसकी इबादत और उसका कमा कऊ हक अदा करता रहे हलाल हराम की तमीज करता रहे और इस तरीके से वो अल्लाह की कुर्बत हासिल करता रहे उसकी इबादत करके खुद की मेहनत और कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी खुद से बहुत मेहनत नहीं कर पाता है लेकिन अल्लाह ने उसको माल अता किया है और उस माल के जरिए क्या होता है वो अल्लाह का मुकर्रब बंदा बन जाता है माल भी अल्लाह के तकर्रुब का जरिया है आपको याद होगा मैं इशारा करूंगा गुरबा महाजरीन अल्लाह के वसल्लम के पास आए कहने लगे अल्लाह के नबी बिल उजोर जो मालदार हैं वो तो अजर लगे जहां मौका पड़ता अल्लाह के रास्ते में दिल खोल के खर्च कर देते हैं हमारे पास क्या है कुछ नहीं बचा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम जो है फर्ज नमाजों के बाद अपने मसल्ले पर जब बैठे रहो तो अजकार में सुबहान अल्लाह तैंतीस मरतबा अल्हदल्ला तैतीस मरतबा अल्लाह अकबर तैतीस मरतबा और सो पूरा करने के लिए क्या पढ़ लिया करो ला इलाहा इल्लल्लाह शरीक लाला जब बेचारे अमल करने लगे मालदारों को भी मालूम पड़ा कि लोग बैठ के क्या पढ़ते हैं उन्होंने भी सीख लिया फिर वो आए और कहने लगे अल्लाह के आपने हमको कसीर कमाने का ये तरीका आपने बतलाया था, अब तो वो भी जान गए हैं वो तो, तो हमारे बराबर हो गए अजर में हमारे पास माल नहीं है वो तो माल के जरिए भी अजर हासिल करेंगे और इस तस्बीह के जरिए भी अजर हासिल करेंगे अब हम क्या करें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबीसमया मन यशा ये अल्लाह का फजल है अल्लाह जिसको चाहता है क्या करता है अता करता है कि माल माल के जरिए भी अल्लाह अल्लाह का तकरब क्या है हासिल करना यह अल्लाह का फजल है मेरे भाई माल के जरिए हम अल्लाह का तकरब हासिल कर सकते हैं अजर कसीर के मुस्तहिक बन सकते हैं मैंने आपके सामने आयत शुरू ही की थी

इन अल्लाह सदका अल्लाह सदका कबूल करता है कोई भी सदका हो छोटा मोटा सदका हो और चाहे बड़े से बड़े सदका हो वो आम सदका हो चाहे जारिया हो अल्लाह सदका कबूल करता है वह या खुद हुआ बेअमी और अल्लाह उसके अपने दाएं हाथ में उसको लेता है कहते हैं फजूर मेरा परवरदिगार इस सदके को लेकर के उसको पालता पोसता है कमा यूरबी आहद हुकुम मारहू और फसी जैसा कि में का कोई आदमी अपने घोड़े के बच्चे को पालता है या अपने ऊंटनी के बच्चे को पालता है ऐसे ही अल्लाह रबुल इज्जत अपने नेक बंदों के सदके को अपने हाथ में लेकर के उसको बढ़ाते रहता है अल्लाह ने कुरान में क्या कहा महाकुल्ला वयुर सदकात अल्लाह सूद को मिटाता है सदकात को क्या करता है बढ़ाता है अल्लाह हदीस उसकी दलील है अल्लाह उसको अपने हाथ में लेता है अगर आ हमारे नेक नियति सदका हो रहा है अल्लाह की रज़ा के लिए सदका हो रहा है वो चाहे सदका जारिया हो चाहे आम सदका हो मेरे भाइयों सदकात के जरिए अभी बात आएगी कि हम नारे जहन्नम से बच सकते हैं एक छोटा सा टुकड़ा गजा का वो भी हमें नारे जहनम से बचाने का जरिया बन सकता है तो अगर हमने सदक़ात को नेक नियति के साथ किया है तो इन श्लाजीज़ वो सदका अल्लाह इज्जत जो है हमारे सामने जब क्यामत के दिन पेश करेगा जो उसकी परवरिश कर रहा है उसको बढ़ा रहा है तो हमारे पास नेकियों का जखीरा होगा नेकियों का पहाड़ होगा हर घर से वो सदका हमारी नज़र में क्या होगा इंतहा मामूली होगा इसी तरीके से ये सदका दुखुल जन्नत का सबब है दुखुल जन्नत का क्या है सबब है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया सूरतुल आज़ाब की आयत नंबर थर्टी फाइव पैंतीस नंबर की आयत है इन मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल कानित वल मोमिनीन वल मोमिनात वल कानितीन वल कानितात वल सादिकीन वल सादिकात वल साबिरीन वल साबिरात वल खाशिईन वल खाशिआत वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात मोमिन मर्द मोमिना औरतें इबादत गुजार मर्द इबादत गुजार औरतें सदका करने सच्चे मर्द सच्ची औरतें सब्र करने वाले मर्द सब्र करने वाली औरतें और अल्लाह से डरने वाले मर्द अल्लाह से डरने वाली औरतें और सदका करने वाले मर्द और सदका करने वाली औरतें यह आयत करीमा मेरे भाइयों इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मर्दों के साथ औरतों को भी बिल्कुल बराबर सराबर रखा है अजर के अंदर सदका करने वाले मर्द सदका करने वाली औरतें उसके बाद में अल्लाह ने कहा वसाइमीन वसाइमात रोजेदार मर्द रोजेदार औरतें वल हाफिदीन फुरूज हूँ वल अपने शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और अपने शर्मगाहों की हिफाजत करने वाली औरतें वद्दा करीन अल्लाह कसीर वद्दा करात अल्लाह का कसरत से जिक्र करने वाले मर्द और अल्लाह का कसरत से जिक्र करने वाली औरतें अद्दल्लाहु लहुम मगफिरा व अजरन अजीमा अल्लाह ने उनके लिए मगफरत तैयार कर रखी है मगफरत खुला परवाना होगा हमने तुमको बख्श दिया माफ कर दिया वह अजरन अजीमा और अजर अजीम जन्नत की शक्ल में अल्लाह ने तैयार कर इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सदका करने वाले मर्दों और औरतों का भी अल्लाह ने तस्करा किया है ये अजाब जहन्नम से बचाव का भी जरिया है अदीब हातिम रजी अल्लाह तुकी की रिवायत है कहते हैं कि मैंने नबी करीम को फरमाते हुए सुना वलौ वल्ल तमरा जहन्नम से बचो अपने आप को जहन्नम से बचाओ घर खजूर के एक टुकड़े ही सिकुनाओ मुकम्मल खजूर नहीं तमरा का एक खजूर का टुकड़ा ही आपके पास गजा नहीं है एक ही खजूर है दो मांगने वाले आगे आधे आधे खजूर आप दे दिए अल्लाह का रास्ते नेक नियति से वो दिया हुआ टुकड़ा खजूर का जहन्नम से बचाव का क्या होगा जरिया होगा यहां पर यह चंद चीजें थी अब हमारे यहां तस्वूर पाया जाता है वो तस्वूर उसी शोह और बुखालत की वजह से आदमी सोचता है कितना सदका कितना दे अल्लाह के रास्ते में कितना खर्च करे, हालांकि उसके पास जरूरत से कहीं ज्यादा माल क्या होता है मौजूद होता है कितना खर्च करें ये अबू बकर रजी अल्लाह तला से पूछ लें आप उनकी सीरत से जान लें अल्लाह के नबी सलाम के पास माल लेकर के आए अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए हजत उमर रजियाल्ला तला ने सोचा कि अबू बकर कितना ले जाएंगे बहुत ले जाएंगे तो आधा ले जाएंगे उन्होंने अपने घर का आधा माल जो भी घर में था रुपया पैसा सोना चांदी जो भी रहा हो आधा माल ले लिया वो भी अल्लाह के नबीसम के पास है खर्च करने का मौका था नबी अलैहि वसल्लम ने हजत उमर से पूछा उमर कितना लाए हो कहा अल्लाह के सुल मैं अपनी सारे माल का निसफा मैंने किया है और मैं निसफ हिस्सा आपके पास ले आया हूं कौन खर्च करता इस तरह आज मैं तो नहीं समझता हूं कि अहले सरबत भी इस तरह आज खर्च करते होंगे कि अपने माल का निसफ हिस्सा अल्लाह के रास्ते में खर्च करते मौके पर कोई नहीं करता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने यारे गार बकर सिद्दीक रजी अल्लाह से सवाल किया अबू बकर तुम क्या लेकर के आए हो कहा अल्लाह के रसूल सलम, मेरे घर में अल्लाह उसके रसूल के नाम के अलावा कुछ नहीं बचा है मैं जितना था सब लेकर के यह नफका है मेरे भाई यह खर्च है और हकीकत देखा जाए तो डिपॉजिट वो है जमा किया हुआ माल वो है जो हमने अल्लाह के रास्ते में दे दिया है जमा किया हुआ माल वो नहीं है जो हमने अपने बैंकों में अपने क्या बोलते अकाउंट्स में डिपॉजिट करके रखा हुआ है वो तो वर्षा का माल है अगर हमारी आंख बंद हो गई इस दुनिया से हम चले गए तो हमको वो नहीं क्या काम आएंगे जो हमने खर्च किया अल्लाह के रास्ते में हमने अल्लाह के रास्ते में दिया है ने सदकई जारिया की शक्ल में डिपॉजिट कर दिया अल्लाह के यहां वो माल हमको काम आएगा ना कि वो माल जिस पर हमारे वरसा बाद में लड़ेंगे झगड़ेंगे बांट लेंगे ये नहीं पता कि तात में खर्च करेंगे कि अल्लाह की नाफरमानियों में खर्च करेंगे हमको नहीं मालूम इस फिक्रे को लेकर के रखिए हमेशा कि डिपॉजिट किया हुआ माल है कौन सा वो माल जो हम बचा बचा करके सेथ सेथ करके रखते हैं वो माल है या वो माल जो हम अल्लाह के रास्ते में आम सदकात की शक्ल में सदकात जारिया की शक्ल में खर्च कर देते हैं वो माल डिपॉजिट है कौन सा माल देखें जरा अल्लाह ने इशात मा यनफद इंदुम बाक जो तुम्हारे पास है वो खत्म हो जाएगा मिट जाएगा लोग इस्तेमाल करके उसको खापी करके बराबर कर देंगे वाहि बाक तुम्हारा बाकी रहने वाला माल वो है जो अल्लाह के पास चला गया अल्लाह के रास्ते में तुमने दे दिया बाक, जो अल्लाह के पास पहुंच गया अल्लाह के रास्ते में आपने खर्च कर दिया वही बाकी रहने वाला माल है वो सबर अजर हम ब्याह सी अल्लाह कहता है कि जो लोग सब्र करते हैं हम उनका अजर बेहतरीन तरीके से उनके अमल करेंगे उनके अमल का बेहतरीन अजर उनको हम सब्र कैसा मेरे भाइयों? यहां पर सब्र का मामला कहां से आ गया खर्च करने पर इंसान को सब्र करना पड़ता है दिल को बांधना पड़ता है दिमाग को कम चलाना पड़ता है तब इंसान जाकर के क्या करता है अपने माल को खर्च करता है अगर उसके पास सब्र नहीं है तो वो बस दस रुपए पर इतफा करेगा खर्च करने पर उससे ज्यादा उसके हाथ से कभी नहीं निकलेगा यहां पर एक हदीस सुनिए अम्मा आयशा रज की इसी मौजू पर कहती है कि हमने बकरी जब की एक बकरी अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए मसाकिन मसाकिजों का पड़ोसियों का ख्याल करने के लिए एक बकरी जब शातन फकाल नबीम अल्लाह के नबीम घर पर आए आपको पता था बकरी जबह हुई है और लोगों के ताउन के लिए और कराब को मिस्किनों को बांटने के लिए देने के लिए अल्लाह रसूल ने सवाल कर लिया माँ बक्मीन बकरी में से क्या बचा है भाई घर के लिए कुछ बचा उचा नहीं बचा है माँ बक्मीन कालत मा बक्ति अमीना अम्मा अशार ने इशाद फरमाया कि सिर्फ उसका एक शाना अल्लाह के नबीम बचा है बस बकिया पूरी बकरी क्या होगी वो खत्म हो गई माँ बक या मीना अल्लाह कतिफा अल्लाह के नबीम की लॉजिक सुनिए एक मोमिन की लॉजिक यही होनी चाहिए माल खर्च करने के बाद उसका जहनो दिमाग यही सोचे अल्लाह के नबीम ने क्या कहा मा बक या मीना अल्लाह आता ने कहा कि सिर्फ उसका एक शाना बचा हुआ है बस काल बक या कुल्लोहा गई अल्लाह के वसल्लम ने कहा बाकिया या पूरी बकरी बच गई सिवाय शाने के क्यों क्योंकि पूरी बकरी या तो पड़ोसियों को दी गई होगी या गौरबा को या मसाकिन को या जरूरतमंदों को सदका में चलेगी सब शाना जो बचा है अल्लाह के वसल्लम कहते हैं पूरी बकरी बची हुई है शाना नहीं बचा है वो तो शाना हम लोग इस्तेमाल करेंगे यानी जो अल्लाह के रास्ते में चला गया वो बच गया और जो हमारे पास बचा हुआ है वो बचा नहीं है पता नहीं क्या असर होगा उसका अल्लाह के नबी वसल्लम ने ये लाजिक हमको दी सदका करने की जब हम खर्च करें तो ये सोचे ये माल हमारा डिपॉजिट हो गया है अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास वो उसको पालेगा वो ये उसको पोसेगा इसका अजर मेरा रब देगा एक के बदले सात सौ गुना और इतना ज्यादा जितना हम और आप सोच नहीं सकते अल्लाह के नबी ने क्या कहा कि पूरी बकरी बच गई सिवाय किसके इस शाने के जिसको तुम कह रही हो कि यही बचा है वही नहीं बचा बकिया सब बच गई ये लॉजिक अगर हमारे पास आ जाए तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करने में कभी दिक्कत का सामना नहीं होगा हमारा दिल महसूस ही नहीं टेंशन नहीं होगा मौलवी आया था वो अपने मदरसे के लिए इतना लेके चला गया फला मस्जिद ने हमने आज जो है क्या बोलते हजारों रुपया दे दिए कभी टेंशन नहीं होगा आपको क्यों क्योंकि खर्च करने पर आपको यह एहसास होगा कि मेरे रब के पास ये महफूज हो गया है इसी तरीके से यह जाम उतरमीजी की रिवायत है अब्दुल्ला शखीर रजी अल्लाह तुम से मरवी है कहते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आप सूरतुर की तलावत कर रहे थे हत्ता कि तुमको माल की कसरत ने क्या किया बर्बाद कर दिया यहां तक कि तुम कब्रों में चले गए इसकी आप तिलावत कर रहे थे उसके बाद में आपने इशाद इब्न आदम माली माली इंसान दावे करते रहता है मेरा माल मेरा माल मेरी प्रॉपर्टी मेरी जायदाद मेरे इतने कमरे मेरे इतने फ्लैट मेरा इतना ये यही सब चलते रहता है माली माली अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा वह हल्ला काफा अब ऐ इंसान तेरा माल सिर्फ वो है जो तूने खाया और खत्म कर दिया इल्ला मा अकलत तफाफनैत खा लिया तुम्हारे पेट में चला गया तुम्हारे जिस्म का हिस्सा बन गया तुम्हारी गजा बन गई खत्म कर दिया वो तुम्हारा माल था जिसको तुमने इस्तेमाल किया औ तफा अबल या तुमने पहन लिया उसको पुराना कर दिया कपड़े की शक्ल में उसको इस्तेमाल कर लिया औद या तुमने सदका करके उसको डिपोजिट कर दिया अल्लाह के रास्ते में यह तुम्हारा माल है वरना जो बचा है वो तुम्हारा माल नहीं है कब आंख बंद हो जाएगी कब हमारे वारसीन क्या करेंगे उसको तकसीम कर लेंगे हमारा कहां रह गया वो हमारा वो जो हमने खाया जो हमने पहना और जो हमने अल्लाह के रास्ते में क्या किया डिपॉजिट कर दिया है सही मुस्लिम की रिवायत है यहां पर सदका जारिया की चंद शक्ल आपके सामने बयान करूंगा वक्त बहुत कम है सदका जारिया मैंने जिक्र किया मामनबी रह ने कहा सदका जारिया असल में वक्फ है और वक्फ कहते किसे है वक्फ यह है कि असल को रोक दिया जाए और सम्राट को अल्लाह के रास्ते में नतयज को अल्लाह के रास्ते में आम कर दिया जाए

कैसी माले गनीमत में खैबर में यहूदियों की ज़मीनें थी खैबर जब फतेह हुआ तो वह जमीन मुसलमानों में तकसीम हुई लोगों को बड़ी क़ीमती क़ीमती ज़मीनें मिली कहते हैं मुझे उनको जम्... जमीन मिली कहां पर खैबर में फ़ातन नबी अल्लाह के नबी वम के पास आए और उस जमीन के ताल्लुक से आपसे मशवरा करने लगे हजरत उमर रजील्ला

खैबर की जमीन से ज्यादा बेहतरीन माल उमदा माल आज तक मेरे पास नहीं आ जाए आप उस माल के बारे में मुझे क्या हुक्म देते हैं यानी सदका करने के बारे में साहब के की फिक्र यह होती थी सबसे कीमती चीज सबसे कीमती चीज अल्लाह के रास्ते में सदका की जाए इसीलिए कुर्बानी के जानवर में भी क्या कहा गया है सबसे तंदुरुस्त बेहतरीन खूबसूरत अनफस कीमती माल Allah के रास्ते में कुरबान किया जाए अल्लाह के रसूल सलाम ने क्या कहा इन शेता हबस्ता असल इनता अगर तुम चाहो तो जमीन को अपनी मिलकियत में रोक करके रखो मिलकियत में रोक लो उसको और उसका सदका करो काल रावी हदीस अब्दुल्लाब उमर तन कहते हैं फासदी उमर हजत उमर ने उस जमीन का सदका कैसे किया अल्लाह वला वला कि वाला जमीन बेची नहीं जाएगी कभी हमारी मिलकियत है कभी बेची नहीं जाएगी दूसरी चीज किसी को हिबा नहीं की जाएगी तीसरी चीज ये वर्षा में तकसीम नहीं होगी ये तीन शक्लें होती हैं जमीन को दूसरे की मिल्कियत में देने के तीनों शक्लें ना यह बेची जाएगी ना इसको किसी को हिबा किया जाएगा और ना ही वर्षा में तकसीम होगी उसके बाद क्या हुआ कहते हैं व तसद कबीहा फिल फोकर और उसका नफका मुतन किया वो जमीन थी खजूरों वाली बागात थे वो कहा इसके जो फल निकलेंगे वो सदका किए जाएंगे फोकरा पर वह फिलकुरबा कराबत दारों पर मेरे भाइयों कराबत दारों पर सदका करना आज हमारे हम शक्लें बन सकती हैं हमारे पास अगर बतौर मिसाल फ्लैट्स है जमीने हैं प्लाट्स हैं हम कुछ घर बना दें उसके अंदर खराबत को देते रहें जिसको जरूरत है उसको देते रहें जिसको जरूरत है उसको देते रहें है ना फला आदमी मतलब तो हो गया मालदार हो गया ठीक भाई खाली कर दो या फला आदमी हमारा मुस्तक है उसको दे दें वो सदका जरिया चलता रहेगा आपका जो है हम कर सकते हैं उन्होंने इस खेत का जो है और इस बाग का सदका किस पर किया फोखरा पर वील कुरबा पर और कराबत दार पर सदका करना मेरे भाई डबल सदका है अल्लाह के कहा सदका कबीर सा वह अगर आप एक आम मोहताज पर सदका करते हैं तो एक सदका है लेकिन आप जी रही पर करते हैं कराबत दार पर करते हैं तो डबल है सिलातन व सदका सिला, सिला रहमी भी और सदका भी है तो मैंने क्या किया उसको उसका सदका किया फुकरा पर दारों पर वह फिर रिकाब और वह मुसलमान जो कैदी बना लिया जाए उनकी गर्दनों को छुड़ाया जाएगा इसकी मनफात से इसके फायदे से इसकी कीमतों को उसके फलों को बेच करके ऐसे ही वफी सभी और इसकी मनफात को अल्लाह के रास्ते में क्या किया जाएगा खर्च किया जाएफी सभी में खर्च किया जाएगा वह अपनी सभी और मुसाफिरों के लिए इसको तकसीम किया जाएगा व ज़ैफ़ मेहमानों पर इसको खर्च किया जाएगा लाजुना अलामन वलियाँ कुल अमिन और रिश्ते उम्र ने यह भी वाजह कर दिया जो आदमी इसकी देख रेख करेगा वो उससे खाए उससे कोई गुनाह नहीं खुद खाए उसके बाल बच्चे खाए कोई हर्ज की बात नहीं है बिल मारूफ लेकिन यह खाना कैसे हो भले तरीके से जैसे आम इंसान अपना खर्चा निकालता है वह इमा इम गैर मविल और वो दूसरों को खिला सकता है लेकिन ऐसा ना हो कि उससे माल जमा करके प्रॉपर्टी बनाए और अपने खजाने को बढ़ाए ऐसा ना होने पाए

मौत के बाद भी उसके नेक कामों में से उसकी नेकियों में से वो क्या है इल्मन अल्लमहू। इल्म जो उसने सिखा दिया व वह इल्म जो उसने नशर किया व नेक औलाद उसने छोड़ दी व वह वरसहु मुसाहब का लोगों को वारिस बना दिया ने बाद में छोड़ गया मुसाहब कहते हैं हम कुरान के नुस्खों को हम हमने मस्जिदों में कुरान के नुस्खे रखवा दिए में भिजवा दिए तराजिम भेजवा दी तफसरें भेजवा दी जिससे लोग पढ़ करके अल्लाह का कलाम पढ़ करके क्या कर रहे हैं रोशनी और हिदायत हासिल कर रहे हैं और मस्जिद मस्जिद बना दी और बैतन इबन सबीली बना या कोई घर किसके लिए बना दिया मुसाफिर के लिए मुसाफिरों के लिए बना दिया और नाहरन अजरा हो या कोई नहर उसने जारी कर दी जहां के लोगों को जहां के इलाके को पानी की जरूरत थी उसने खर्चा करके नहर खोदवा दी या पानी की जरूरत है क्या किया में आता है कुआ खोदवा दिया पानी का इंतजाम करा दिया बोल सकते हैं बोरिंग बोरिंग करवा दी जिस इलाके में पानी नहीं है लोग उनको पानी मिलने लगा इस तरीके से औसदा कतन अखरा जहाँ ही, ही वहा जाती ही। या सदका उसने निकाल दिया अपनी जिंदगी में अपने माल में अपने माल से अपनी जिंदगी में अपनी सेहत में अपने माल का क्या क्या, क्या उसने सदका निकाल दिया यूलिकुहो दि मोती ही ये सारी चीजें उसके मौत के बाद भी लाइक रहेंगी उसका सवाब उसको क्या होगा मिलता रहेगा माजा की रिवायत है और रिवायत सही है इसी तरीके से आखिरी रिवायत जो सदका जारिया के बारे में मैंने आपके सामने पढ़ी थी अब की रिवायत है फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इदा नबीकर आदम इन कता अनहु इल्ला मिन सलास इंसान जब मर जाता है तो उसका अमल उससे कट जाता है ये दुनिया दारुल अमल है मेरे भाइयों आखिरत या मरने के बाद की जिंदगी जो हमारी चाहे बरसकी हो चाहे उखरु जिंदगी हो दोनों जिंदगी हमारी क्या है वो दारुल अमल है दारुल अमल है लेकिन सदके जारिया की फजीलत यह है कि आपके जाने के बाद भी अल्लाह ताला आपके सवाब को ऐसे लिखता रहेगा जैसे जिंदगी में आपके जारी हो सारी था मीटर आपका चलता रहेगा मरने के बाद भी हजारों साल अपने कब्र में पड़े रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरा रब करीम है बहुत ज्यादा अता करता है उसके खजाने में कोई कमी वाकई नहीं होती है तो आदमी मर गया उसका अमल मुनखते हो गया सलात सिवाय तीन चीजों की मिन जारिया पहली चीज सदका जारिया सदका जारिया हमने बताया आपको वक्त की भी चीजें या ऐसा अमल आपका जिससे बाद में भी लोग क्या कर रहे हैं मुस्तफेद हो रहे हैं फायदा उठा रहे और जो शक्लें तीनों जिक्र की गई सब के सब सदक जारिया सबके सब के सब क्या है सदकिया जारी बोल सकते उसको आम लफ्ज में जारी रहने वाला सदका ऐसा नहीं आपने दिया काम खत्म हो गया आपने किसी गरीब को होटल में जाकर के खिला दिया और खा के निकल गया वो है ना ऐसा नहीं आपका सदका क्या है वो आपने कुरान रख दिया मस्जिद के अंदर जब तक लोग उसको पढ़ते रहेंगे क्या होगा सवाब इंशाल्लाह मिलता रहेगा मस्जिद बना दी आपने कोई सबील आपने बना दी जहां पर पानी की जरूरत थी आपने एक नल अपने खर्चे पर लगवा दिया म्यूनसिपलिटी को आप अदा कर रहे हैं लेकिन मोहल्ले वाले क्या करे उससे फायदा उठा रहे हैं जिसको जरूरत है पानी लेकर के जा रहा है सब लोग नल लेने के आयिल नहीं है तो इंशाल्लाह सवाब आपको मिलता रहेगा तो यहां पर जो है सदका जारी है और इल्मिन भी या इल्म है जिससे फायदा उठाया जा रहा है हमने कहा यह कई शक्लों में है इल्म का फायदा उठाए कई शक्लों में अभी आपके सामने तस्करा चल रहा था शेख उजैर शम्स रही का इल्म आलिम मरता नहीं है अपने इल्म की वजह से वो दहर तक जमाने तक बाकी रहता है आज हम लोग अब रज नाम लेते हैं किस बुनियाद पर इल्म की बुनियाद पर अल्लाह के नबी का नाम लेते हैं इल्म शरीयत की बुनियाद पर आपके सहाबा को हम जानते हैं अपने करीबी रिश्तेदार से ज्यादा हम सैयदना अबू बकर सिद्दीक को सैयदना उमर को सैयदना उस्मान को सैयदना अली को और दीगर साहब कराम को जानते हैं उनकी सीरत को जानते हैं क्यों जानते हैं इसी इल्म की बुनियाद पर इसी दीन की बुनियाद पर अगर दीन से ताल्लुक नहीं होता तो कौन जाता उनको इमाम बुखारी को गए हुए आज तकरीबन बारह सौ साल से ऊपर हो रहे हैं बारह सौ साल के करीब हो रहे हैं इमाम बुखारी को हम ऐसे किस तरह जानते हैं जब जिक्र आता है अल्लाह उन पर रहम करे, अल्लाह उनकी मफफरत करे अल्लाह उनको अजर अजीम से नवाजे क्यों जानते हैं इमाम बुखारी को इमाम मुस्लिम को इमाम उदाऊद को इमाम तिलमिजी को क्यों जानते हैं हम इल्म की बुनियाद पर इब्ने तैमिया को इब्ने तयम को इब्ने अजर को इल की बुनियाद पर मेरे भाईओल मरते नहीं है अपने इल्म की बुनियाद उसी सद जारिया की बुनियाद पर क्या रहते हैं वो बाकी रहते हैं क्योंकि ऐसी चीज छोड़ करके गए हैं कि सीखने वाला उनको दुआ दिए बगैर नहीं रह सकता है किताब की शक्ल में छोड़ के गए हो चाहे वो तलामदा की शक्ल में छोड़ के गए हो इंसानों को तालीम देने की शक्ल में छोड़ के गए हो हमारे इलाकों में भी बहुत से उलमा ऐसे हैं जिनकी कोई किताब मौजूद नहीं है लेकिन बुजुर्गान उनको याद करते हैं इसलिए कि लोगों को हिदायत का रास्ता वो बता करके गए तोहहीद के रास्ते पर गामजन करके गए लोग उनका तस्करा इज्जत से करते हैं उनके खानदान की तकरीम करते हैं कि फना खानदान के लोग हैं ये क्यों इसी इल्म की बुनियाद पर मेरे भाई इल्म इल्मा हुई किसी भी शक्ल में आज हमारे यहां जरूरत है मसाइल चल रहे हैं हमारे यहां बहुत से स्टेट में लड़कियों की तालीम के मसाइल हिजाब के मसाइल क्या क्या मसाइल पैदा हो रहे हैं जरूरत है अहले सरवत को ऐसे कॉलेज यूनिवर्सिटियां दीन या दुनियावी तालीम की खोलने की जिनमें हमारी बच्चियां बाइफत रह करके अपनी शनाख्त के साथ रह करके इल्म हासिल कर सकें जरूरत है वो भी सबका जा रिया और मैं फख्र के साथ कहता हूं कि हमारे कोकनी भाइयों में से बहुत से लोगों ने ऐसे कॉलेजेस खोल करके रखे कि मुस्लिम अकलियत बच्चे और बच्चियां अपनी शनाख्त के साथ अपनी इबादत के साथ कॉलेज में रहते हैं नमाजें भी पढ़ते हैं जुमा भी पढ़ते हैं और पर्दे के साथ बच्चियां भी जाती हैं और तालीम हासिल करते हैं अंजुम इस्लाम है काल सेकर दीगर कॉलेज है, है। शनाख्त के साथ हमें भी जो अले सरब सोचना चाहिए ये सब भी सदका जारी है जरूरी नहीं है सदका जारी रही है मैं दीनी काम ही हो दुनियावी तालीम भी अगर मनफात है उसकी जरूरत है हमारे बच्चों को हमारे समाज को तो उसका खोलना भी सदका जारी है मेरे भाइयों क्योंकि मनफात है वो जो है और इंशाल्लाह सीखने के बाद उसका दीनी दुनियावी और इस्लामी शराख के अतबार से हमारी जो है क्या बोलते हैं हमारा फायदा होगा उसके अंदर जो है यहां पर तीसरी चीज अवला दिन सा नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे नेक औलाद के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है बहुत मेहनत करनी पड़ती है बीवी का इंतखाब सही होना चाहिए नेक बीवी का इंतखाब आज हमारे यहां शादियां होती है शादियां किस लिए होती है प्रॉपर्टी मिलेगी जहेज मिलेगा फलाकार मिलेगी इनोवा मिलेगी और फॉर्न क्या बोलते हैं फॉर्चूनर मिलेगी फला मिलेगी तो शादी करेंगे बीवी कैसी भी हो मेरे भाईयो अल्लाह के नबी सान खतून कोलमरतुलार बही वल जमाल इहा वले हसब यह दीन या फ़तफ़र बेदाती दीन औरतों से चार बुनियाद पर लोग शादियाँ करते हैं उसका माल देख करके उसका जमाल देख करके उसका हसब व नसब देख करके उसका दीन देख करके अल्लाह के नबी ने चौथी बात कही फ़फफर बेदाती दीन तरीबत अदाक दीन वाली लाओ कितनी मेहनत तुमको क्यों ना करनी पड़े दीन वाली दीन वाली खातून अल्लाह के नबी ने खैर मता इत दुनिया ये दुनिया की सबसे कीमती पूंजी है क्योंकि वो जब आएगी तो सदके जारिया के तौर तो पर आपके लिए नेक औलाद छोड़ करके जाएगी आपसे पैदा होने वाला बच्चा नेक होगा साले होगा बच्ची नेक होगी साले होगी वलद में दोनों शामिल है मेरे भाइयों सिर्फ लड़के शामिल नहीं है वलद का लफ्ज कुरान पुरा, भी बोलता है वलद या औलाद उसमें नर भी शामिल है और मादा भी शामिल है मुजक्कर भी मोहनस बच्चे और बच्चे सब शामिल है यूसी कुमी औला

ये हमारी जिम्मेदारी है तो हमारे घर में हमसे पैदा होने वाली औलाद भी ईमान पर बाकी रहे ये मर्दों के भी फरीजा है और औरतों इसीलिए वो बोला दी वही मसूल अपने शोहर के घर की अपने शोहर के बच्चों की जिम्मेदार है और उससे उस जिम्मेदारी के तालुक से क्यामत के दिन सवाल होगा नेक औलाद अल्लाह रबत ने कुरान में हमको हुक्म दिया है हम रब से मांगे नेक औलाद मांगे अंबिया ने मांगी रब हबली सालिहीन, नेक औलाद मांगी नेक औलाद सबसे अजीम नेमत है मेरे भाइयों, जो दीन पर बाकी रहे इताद पर बाकी रहे यहां पर हमें याद रखना चाहिए कि नेक औलाद अगर है तो मरने के बाद भी वो हमारे रफ दर्जात का जरिया है सही इसमें आता है कि अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन जन्नत में होगा अल्लाह ताला उसका दर्जा बुलंद कर देगा बोलेगा परवा दिगार तो किया नहीं ये ऑटोमेटिक अपग्रेडिंग क्यों हो रही है दर्जा बुलंद क्यों हो रहा है अल्लाह कहेगा तेरे औलाद के दुआ करने की वजह से तेरे औलाद के तेरे हक में दुआ करने की वजह से मरने के बाद अगर नेक औलाद हमारे पीछे इसीलिए बजाय इसके कि हम उसका फ्यूचर बना करके जाए ज्यादा बेहतर है कि हम उसको नेक बना करके जाए ताकि मरने के बाद यह औलाद हमारे लिए हाथ उठा करके दुआ करे रब रबी वली वाले मेरे परवदेकार मुझे भी बख्श दे और मेरे वालदेन को भी बख्श दे यह दुआ करते रहे और यह काम कौन करेगा नेक औलाद वरना अगर हमने औलाद को नेक नहीं बनाया हमने उनको फ्लैट्स दे दिए हमने कारोबार दे दिया हमने उनको प्रॉपर्टीज दे दी मरने के बाद कहां खर्च करेंगे हम भी नहीं जानते लेकिन अगर औलाद नेक है घरचे वो फ़कीर है घर वो कल्लाश है अगर उसको इतना एहसास है कि मेरे वालदे हैं उनका मेरे ऊपर हक़ है और उन हकूक़ में से मरने के बाद एक हक़ यह है कि हम उनके लिए दुआ करते रहें तो इन श्ला लजीज़ इस बच्चे की दुआ आपके रफे दर्जात का क्या होगी ज़रिया होगी ये भी जारिया की एक शक्ल है अल्लाह रबु लज्ज़त से दुआ हूं कि अल्लाह रबत हमें वकील ना बनाए हमें कंजूस ना बनाए परवरदिगार जो माल तूने हमें अता किया है उसको अपने रास्ते में ख़र्च करने वाला बना सही जगह पर खर्च करने वाला बना सदक़ जारिया करने वाला बना अल्लाह जब तक ज़िंदा रख ईमान पर कायम दायम रख जब खात्मा ईमान इस्लाम पर हो वल नबी महम्मद वाल वसाही वसलम वसलम वरह वबरकू